बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ डॉक्टर पुष्पक नाम। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल नीलस्टैट ओरल ड्रॉप्स की। अगर हम इसका केमिकल फार्मूला देखें कि नीलस्टैटिन है और फार्माकोलॉजी में कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, इसका क्या यूज़ है और क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, तो सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक एंटी फंगल ड्रग्स है, पोलीइंस एंटीबायोटिक के ग्रुप से बिलोंग करती है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, यानी कि एंटी फंगल इसका फंक्शन है, और इसके अंदर काफ़ी सारे पोलीइंस एंटीबायोटिक्स में ऐसे ग्रुप बिलोंग करते हैं, लेकिन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम ओनली नीलस्टैटिन डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके पास केमिकल फार्मूला है और ब्रांड नेम नीलस्टैट है। अगर हम पोलीइंस को थोड़ा सा डिफाइन करें, पोली का मतलब होता है मैनी, इंस का मतलब है डबल बॉन्ड, वो फार्मूला जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो उसको पोलीइंस कहते हैं। और अगर हम ये देखें कि फंजाई के कौन से पार्ट को ये अटैक करते हैं, उसे किल करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ इसके रिसेप्टर्स हैं सेल मेम्ब्रेन पे फंगस के, और इसका स्पेक्ट्रम देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद है कि एक से ज़्यादा फंगस को किल करने की इसमें कैपेबिलिटी है। इसको हमने हासिल कहाँ से किया हुआ है, ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरेसी से। और ये कौन से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करता है, कैंडिडा एप्लिकेंस, ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर कैंडिडा एप्लिकेंस काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होता है इसके गर्ट में भी, ठीक है, वजाइनल पार्ट्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। तो अब हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं ओनली वो ओरल कैविटी का है जी। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये काम किस तरह करता है, कि जो फंगस उसकी सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करता है और सारा जो अंदर का कंटेंट है वो लीक करके बाहर दे देता है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करेगा फंगस की, यहाँ पर सुराख हो जाएगा और सारा सेलुलर कंटेंट लीक हो जाएगा और फाइनली सेल की डेथ हो जाएगी जी। इसके बारे में अगर हम कुछ मेन पॉइंट्स देखें नीलस्टैटिन के, इसका ये है कि हमारी बॉडी में ना स्टीरोल्स कोलेस्ट्रोल की फॉर्म में पाई जाती है, और फंगस जो है ना इसके अंदर एल्गोस्टेरॉल होती है। इस वजह से हमने ये देखना होता है क्या हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को नहीं डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, वहाँ जाके इसमें पोर्स तो नहीं बनाना शुरू कर दिया, उसके स्ट्रक्चर में डिस्ट्रॉशन तो नहीं कास कर दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, ये सेलेक्टिवली फंगस के स्टेरॉल को ही किल करता है, ह्यूमन बॉडी के कोलेस्ट्रॉल पर इसके रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, उनको ये किल नहीं करता। ये GIT वाले फंगस को किल करता है, जो सिस्टेमिक है हमारे ब्लड के अंदर जो फंगस आई हुई है उसको किल नहीं करेगा, क्योंकि इसके वहाँ पर जाने के अब्जॉर्शन नहीं है। ओके, कुछ आपके पास पोलीइंस के जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो उसमें आपके पास कुछ ऐसे भी हैं जो IV और दूसरे रूट से हम उनको दे सकते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे आप रीन्स वगैरह हो गए, जिसकी कंट्रा इंडिकेशन जिस वजह से हाइपर सेंसिटिविटी, रिवर्स रिएक्शन इसके नौजा, वॉमिटिंग, गैस्ट्रेशनल डिस्ट्रेस, डायरिया। डोज कितनी देनी आपने इन फ्रेंड्स को, 2 ml, दिन में 4 मरतबा, और माउथ में दोनों साइड के ऊपर 1 ml डालना है, और चिल्ड्रन और अडल्ट की आपके पास ये डोज लिखी हुई है, ये भी आपने 4 से 6 टाइम देनी है, ये भी हाफ हाफ देनी है माउथ के दोनों साइड्स के ऊपर। और अगर मैं बात करूँ प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में या जिनका वेट जो है वो कम है, उसके लिए डोज हाफ हो जाती है, जैसे इन्फेंट्स को हम 2 ml दे रहे हैं ना, उनको अपने 1 ml देनी है ओनली, ठीक है, दिन में 4 मरतबा, 1/2 ml, 1/2 ml दोनों आप साइड पे माउथ में देंगे। अब हम देखते हैं कि जो कैंडिडा एल्बिकेंस है हमारे माउथ में जो ओरल थ्रश कास करता है, तो हमें किस तरह पता लगेगा इसने कास कर दिया, उसके अलामत क्या हैं जी। क्रीमी वाइट लियंस बन सकते हैं हमारे पास, ये जो मैंने आपको पार्ट्स बता रखे हैं सारे, इन पार्ट्स के ऊपर, टंग पे भी, चीक्स के अंदर भी, माउथ के रूफ पर भी, गम्स में भी, जबड़े वगैरह तो उन टॉन्सल्स पे भी, रेडनेस भी कास कर सकता है, बर्निंग भी, अगर कोई बेबी वगैरह है अगर कुछ ईट कर रहा है उसे डिफ़िकल्टी भी हो सकती है ईटिंग के अंदर, अगर हमने उसको खुरचना शुरू कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली ब्लीडिंग भी कास कर सकते हैं। इसके ये मेन सिम्टम्स हैं, पेशेंट को पेन भी होता है, ठीक है। आपने ना इसके बारे में एक और बात भी याद रखनी है कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पेशेंट क्योर हो गया, ठीक है, सारे ओरल थ्रश ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है उसके बाद भी 48 आवर्स इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्योंकि
थोड़ा सा भी कोई फंगस हो ताकि वो सारा किल हो जाए, ताकि दोबारा रिकरेंट का चांस ना हो। जी हमने पैकिंग ओपन की, ड्रॉपर है तो आपने इसमें ओपन करके इसमें ड्रॉपर को फिल कर लेना है और फिर ड्रॉप के फॉर्म में इसको यूज़ करना है। ये नीलस्टैट ड्रॉप्स की इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।